कोरोना वायरस के चलते बीकानेर में इन दिनों कर्फ्यू है और सब जगह लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। इसी क्रम में रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे कर्मचारी भी इस काम में जुटे हैं। रेलवे कर्मचारियों की ओर से इन दिनों ग्लव्स बांटे जा रहे हैं, मास्क बांटे जा रहे हैं और सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। हमारे संवाददाता के कुमार आहूजा ने जायजा लिया रेलवे स्टेशन का। मैं इस समय बीकानेर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हूँ, बीकानेर रेलवे स्टेशन पर हूँ। गाड़ी के चक्के सब जगह थम से गए हैं, लॉकडाउन का पालन हो रहा है, बीकानेर में डबल कर्फ्यू का पालन हो रहा है। मैं इस समय मिला रहा हूँ हम रेलवे कर्मचारी। हाँ मदी सर, आप मिश्रा मिश्रा जी, ये जो भी आप क्या बांट रहे हैं, ये कोरोना से बचने के लिए ये मास्क बांटे जा रहे हैं हमारी तरफ से, यूपीआरएस की तरफ से जी। मैं यूपीआर बीकानेर ब्रांच का अध्यक्ष हूँ जी सर। इस नाते एक मानवता की ड्यूटी निभाते हुए हम लोग ये मास्क बांट रहे हैं रेल कर्मचारियों को। आप भी रेल कर्मचारी हैं? हाँ जी सर। नाम बताइए अपना। आशु सोलंकी। आशु सोलंकी जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली मास्क और सैनिटाइजर बांटने वाली? ये सर हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी साहब और जो उन्होंने मुख्यमंत्री जो भी हैं उन सबको आदेश दिया था, उन्हीं की प्रेरणा स्रोत मानते हुए मैं उनको अपने जो रेलवे परिवार हैं उनको मैं ये मास्क और ये सैनिटाइजर और ग्लव्स वितरण कर रहा हूँ ताकि हमारे कर्मचारी भाइयों को हम बचा सकें, क्योंकि हर तरह से प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। तो हर तरह से हमने अपनी बीकानेर की जनता को बचाने के लिए जो सहयोग हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर वो हम पूरा कर रहे हैं। कुल मिला के मिश्रा जी और आशु सिंह सोलंकी इस बात का संदेश दे रहे हैं कि अब लॉकडाउन का पालन करें और भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और बीकानेर